हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। दोस्तों, संपूर्ण सर्व सत्र का कलेक्टर एडिशन हमारे पास आ चुका है। जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं मनोज गुप्ता जी की टीम ने इस बार इसको कैसे बनाया है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लिया जाए जल्दी से। देखने में दोस्तों अच्छी लग रही है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो इसके साथ में एक बहुत ही बड़ा स्टैंड ही दिया है इन्होंने, जो कि एक कंप्लीट बुक के साइज़ का है ऑलमोस्ट। तो देख सकते हैं, इसको आधा रखा गया है, आधा इसका जो साइज़ है वो वेरिएंट 2 के साथ अटैच होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा बायर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तरह से इनकम्प्लीट सा लगता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, मे बी आप इसके इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट मैं बायस नहीं हो सकता अपने थॉट्स से। तो दोस्तों दिखाना चाहूँगा, साथ में एक ये कार्ड मिला है जिसमें नागराज और तोसी बना हुआ है, और ये सिर्फ एक कार्ड है। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये आर्टवर्क के साथ में क्लासिक आर्टवर्क है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। और एक ये स्केच कार्ड दिया है इन्होंने सर सत्र का, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मैं ये नॉवल्टीज़ को साइड में रख देता हूँ, और ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना ह्यूज साइज़ है इसका, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर लग जाता है, बट इस तरह इसको वेकेंट छोड़ देना एक थोड़ा सा खलता है, जो मुझे तो खल रहा है दोस्तों। आई मीन आप लोगों को कैसा लगेगा मैं नहीं जानता, बट मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ये। अगर मुझे कंप्लीट मिलता तो ज़्यादा अच्छा था। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए साइड कर देता हूँ। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले इसका मूल्य है 1500 रुपये, ठीक है दोस्तों। 1500 रुपये इसका मूल्य रखा गया है। लार्ज साइज़ में है, लार्ज साइज़ जो मनोज गुप्ता जी का स्टैंडर्ड साइज़ है, संपूर्ण सर्व सत्र। देखिए यहाँ पर स्लोगन भी छुप गया है, तो अगर इसको उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते तो थोड़ा सा बेटर लगता। खैर एनीवेज, सर्व सत्र ये जो है ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉडी है जो कि इसके ऊपर चिपकाया गया है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये थोड़ा उभरा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। गोल्ड एडिशन है दोस्तों, गोल्ड गिल्डिंग प्रॉपर की गई है, ठीक है। और एक लैमिनेशन है, मैट लैमिनेशन है, जो कि महसूस ही नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे कोई लैमिनेशन है ही नहीं, बट एक्चुअली आप यहाँ इस जगह पे देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पे बेंड की वजह से थोड़ा सा आता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि मैट लैमिनेशन है। तो ये नॉर्मल पेपर का फील देता है, एक्चुअली ये लैमिनेटेड है। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा ये पूरी तरह से ओपन हो रही है, और गत्ता जो है जो स्टैंडर्ड मनोज गुप्ता जी यूज़ करते हैं वही गत्ता लगाया गया है। कोई ऐसा शाउट आउट करने वाली कोई ऐसी बात है नहीं इसमें कि बहुत मोटा है जैसे मनीष जी के होते हैं या फिर संजय जी के होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ एडिशनल पेजेस हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ एडिशनल पेजेस इन्होंने बिगनिंग में दिए हैं दोस्तों, काफ़ी सारे हैं दोस्तों, दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत सारे हैं, और ये कहानी शुरू हो जाती है दोस्तों। कहानी हम सब पढ़ी चुके हैं, तो अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, और जल्दी से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। प्रिंटिंग की क्वालिटी और बुक की क्वालिटी वही रखी गई है जो ओरिजिनली पेपर बुक पेपरबैक एडिशन में थी, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो डिस्कस करने लायक है, वही क्वालिटी है, ग्लॉसी पेपर है। तो इसके बाद बोनस पेजेस में दोस्तों इन्होंने कुछ एडिशनल पेजेस में क्या दिया है वो देख लेते हैं। इन्होंने कवर्स दिए हैं बोनस पेजेस में, तो कवर्स आ गए यहाँ पे, और ये सर्पकाल का है, ये सर्पयुग का है, सर्पयज्ञ, सर्पद्वंद, और इस तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पे सर्प सत्र का बैक कवर है और ये सर्प सत्र का फ्रंट कवर है। अच्छा, तो ये कुछ फ्रंट बैक, यहाँ पे सर्पद्वंद का फ्रंट और सर्पयज्ञ का फ्रंट, यहाँ पे सर्पयुग का फ्रंट और यहाँ सर्पकाल का फ्रंट। अच्छा, सबका तो इन्होंने दिया भी नहीं, ठीक है दोस्तों। यही है इसमें, इस सीरी में, और ये छोटे मोटे कोई इस ओके। तो दोस्तों ओवरऑल जो ये सीरी है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट की है मुझे, और कहाँ पे की है वो इसकी वजह से, स्टैंडी की वजह से दोस्तों, जो मुझे ये आधा अधूरा सा स्टैंडी लग रहा है देख के, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि 1500 रुपये में ये एक फेयर डील हो सकती थी, देख सकते हैं आप। अगर आप मुझे ये, मेरा ये पर्सनली ओपिनियन है, मुझे जो फील आ रहा है, अदरवाइज़ अगर आपको ये फील नहीं आता कि ये कोई मैटर नहीं करता है, तो फिर ये ठीक है, फिर ये अच्छी डील है, ये फेयर डील है, कोई इसमें समस्या नहीं है।
और अगर आपने पेपरबैक एडिशन नहीं लिया है तो डेफिनेटली आप इसको लीजिए, क्योंकि बुक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉवल्टीज की तरफ से मैं थोड़ा सा निराश हुआ हूँ, ये सिर्फ हॉबी, वो भी सिर्फ मैं इस पॉइंट से कि ये ब्रोकन है, अदरवाइज मैं किसी भी तरह से निराश नहीं हूँ। तो बहुत ही अच्छा है बताना चाहूँगा, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन बनाया है और काफ़ी लार्ज साइज में दोस्तों, ये पूरा फिल कर देती है देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। चलिए तो दोस्तों, अगर आपने पेपरबैक को इसके अभी तक नहीं लिया है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पेपरबैक को भूल के आप सीधा डायरेक्ट सीई को लें, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाई हुई है, गोल्ड गिल्डिंग में है और काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ठीक है, तो इसी रिव्यू के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।